लाइव आई देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। उधमपुर ज़िले की बात करें तो जो टिकरी तहसील है वहां का जो मुतल इलाका है वहां पर एक मामला सामने आया है जहां पर एक शख्स जो है उसके साथ मारपीट की गई है और इस शख्स का आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई है। पूरा मामला आपको बता दें कि दो अलग अलग समुदाय के एक लड़का और एक लड़की जो थे उन्होंने एक प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने ये शादी कोर्ट में की थी और उसके बाद उन्हें प्रोटेक्शन देने की बात भी कही गई थी। लेकिन इस बीच जब लड़का और लड़की देर रात अपने घर में सोए हुए थे और उसके बाद उन पर आरोप परिवार के लोगों का है कि 15 से 20 लोग जो हैं उन्होंने हमला किया है, जिसके बाद लगभग 4 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं और इस वक्त GMC जम्मू में जो हैं वो इलाज अपना इस वक्त करा रहे हैं और उनके परिवार के कुछ सदस्य हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि इस हादसे में खुद घायल हुए हैं। इनसे जाने के सर नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम है रघुवीर सिंह। रघुवीर जी टिकरी मुत्तल इलाके के रहने वाले हैं जी? सर मुत्तल का रहने वाला हूँ। क्या पूरा मामला रहा जिस तरह से आप हम दिखा सकते हैं, आपको मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि ये जो हैं इनके सिर पर भी टांके जो हैं वो लगे हुए हैं, यानी कि स्टिचेज इनके सिर पर भी हैं और इनसे जानेंगे कि सर क्या पूरा मामला रहा, कितने लोग जो थे उन्होंने मारपीट वहाँ पर की है? कम से कम 20 लोग होंगे। मामला क्या रहा पूरा शुरू से अगर बता देंगे? मामला ये रहा सर, हम तो सोए थे, ये शादी हुई थी पहले की, ठीक है, लव मैरिज की थी मेरे भाई ने, तो लड़की का पेपर था, वो शाम को ही घर पे पहुँचे हैं, ठीक है, इनको कोई पीछे से पता चला होगा तो ये लोग आ गए और रात को करीब 2 बजे के करीब इन्होंने हमला किया है और इनके पास हथियार बेशुमार थे। ये जो चोटें आपको आई हैं क्या उन्हीं हथियारों से आई थी और कौन कौन से हथियार इन लोगों के पास थे और इनकी संख्या कितनी रही होगी? सर इनके पास हथियार तलवारें, टोके और डांगे वगैरह, जो ये नहीं होता है लोहा चूथने वाला, क्या बोलते हैं उसको, बतान क्या होता है वो था, कुल्हाड़ी, इन्होंने दरवाजे दरवाजे सब कुछ तोड़ दिए हैं। तो सर मेरी तो ये जो शादी हुई थी क्या लड़का लड़की ने प्रेम विवाह किया था? जी 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 जी। उसके बाद क्या कोर्ट के आदेश के अनुसार ये भी सुनने में आया कि उन्हें प्रोटेक्शन भी दी गई थी? जी सर, इनको बाहर भेज दिया था, प्रोटेक्शन के साथ में नहीं थी, इनको बाहर जाने के लिए गए थे, उन्होंने छोड़ा, उसके बाद ये अचानक आए, लेकिन रात को लेट पहुंचे होंगे तो इन्होंने थाने में पहुंचने का टाइम नहीं लगा इनको। मसला ये है, अब मसला ये आ गया सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, दादी हैं, सबको मारा है इन्होंने हथियारों से। मैं तो यही अब मैं जानना चाहूँगा कि पुलिस किस तरह की कार्रवाई इस वक्त कर रही है, क्योंकि पुलिस के लोग आपके पास यहाँ पर भी हैं प्रोटेक्शन के तौर पर, और अभी क्या पुलिस की पकड़ में कोई लोग आए हैं? अभी नहीं, सुनने में तो ऐसा आया सर कि एक दो मिल गया है। मैं तो यही गुजारिश करूँगा सर से कि सभी पुलिस से क्या गुजारिश आप करना चाहेंगे, क्योंकि आपके सिर पर भी चोटें, कितने स्टिचेज आपको आए हैं? सर 12 से 13 होंगे स्टिचेस मेरे सिर पे, तो तब वार किया था उन्होंने, तो ब्लड तो आप उस समय सोए हुए थे जब आप पर हमला किया गया? जी जी, दरवाजा तोड़ के बाहर गया था इन्होंने। अभी तक जो शुरुआती जांच है पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है, क्या पुलिस से पूरा सहयोग मिल रहा है उधमपुर पुलिस से? सुनने में तो यही आ रहा है कि इधर भी आए थे मेरे पास सर, उन्होंने बोला कि आप परेशानी मत लो, हम पकड़ लेंगे उनको। हमें अफसोस ये है कि वो लड़की लेके हैं उठा के। क्या क्या अपील करना चाहेंगे? अपील तो यही करना चाहूँगा सर पुलिस के पास कि जल्द से जल्द ये सभी गिरफ्तार हों और हमारी लड़की हमें मिल जाए। तो सर जो लड़के की माता और पिता हैं, क्योंकि 4 लोग आप यहाँ पर हैं, एक लड़का भी इंजर्ड है, और क्या लड़के की माता पिता उनकी कंडीशन किस तरह की है? उनकी कंडीशन तो सब आपने देख ही ली है, बहुत बुरी हालत है उनकी। और लड़के की माता की तो टांग भी टूट गई है और बाजू भी टूट गई है, तो लड़के के पिताजी हैं तो उनको सिर पे बहुत चोटें हैं। तो सर लड़की इस वक्त कहाँ पर है, क्या वो लोग अपने साथ ले गए हैं? सर वो हमारे सामने अपने साथ ही उठा के ले गए हैं। तो क्या इससे पहले कोई धमकी दी थी उनके द्वारा आपको? मेरे को जब ये केस हुआ था तब उधर लोगों ने बोला था कि ये आपके घर को ही जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सर मैं चुप सुनता ही रहा, ठीक है, लेकिन रात को देख भी लिया। मसला ये है कि सर आज तो मेरे साथ हुआ है, कल किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है, मोहल्ले का तो हमें कोई दिखा नहीं। चलो कोई बात नहीं, चलो देखिए पुलिस अब कार्रवाई अपनी कर रही है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लगातार पुलिस छापेमारी भी कर रही है और वो लोग पकड़े जाएंगे।
और उन्हें सज़ा जो है, जो कानून सज़ा उन्हें देगा उस तरह की सज़ा भी जो है वो दी जाएगी। लेकिन उस वक्त जब रात पर आप 4 से 5 लोग थे, 15 से 20 लोग जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अटैक किया, तो कोई मोहल्ले वाला या लोग सामने नहीं आए? कोई नहीं आया सर, मोहल्ले का सब छुप गए थे घर पे। सर क्या करना है, नहीं आते, सभी सोचते हैं कि मार देंगे, बदमाश हैं, हम गरीब आदमी हैं सर। क्या उनकी पहुँच ऊँची है? बहुत पहुँच है उनकी। पहले भी लड़के को बोलते थे 40 लाख ले ले, लड़की छोड़ दे, लड़की के जो नानकी है ना, उसके मामे वगैरह नौकर हैं, वो बोलते थे। चलिए, ये एक मामला था जो कि मुत्तल, जो कि रैम्बल पुलिस स्टेशन आता है और टिकरी पुलिस पोस्ट के अंतर्गत ये इलाका जो है वो आता है, तहसील टिकरी के अंदर और उधमपुर ज़िले के अंदर, जहां पर ये परिवार के लोग हैं। और इनके भाई की बात करें तो उस पर एक जानलेवा हमला हुआ है और पूरे परिवार पर। इनका ये कहना है कि 15 से 20 लोग आते हैं रात को और इन पर हमला करते हैं, तेज़धार हथियारों से, लाठियों से इन्हें मारा जाता है और उसके बाद वो लोग लड़की को लेकर फरार हो जाते हैं। और इनका ये कहना है कि शादी जो थी वो कोर्ट में हुई थी, आर्य समाज मंदिर में भी शादी हुई थी और उसके बाद पुलिस प्रोटेक्शन भी कोर्ट के आदेश थे और पुलिस ने लड़का और लड़की दोनों को जम्मू से बाहर भेज दिया था। लेकिन किसी कारणवश, किसी काम से कल लड़की जो है जब घर आती है लड़के के साथ और देर रात उनके जो परिवार थे लड़की का उन्हें पता चल जाता है और उसके बाद 15 से 20 लोग आते हैं तेज़धार हथियारों के साथ, लाठियों के साथ और इन लोगों पर हमला करते हैं, जिसमें 4 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें जिस लड़के ने शादी की थी वो है, उसके माँ हैं, उसके पिता और ये उनके भाई हैं जो इस वक्त उपचाराधीन हैं GMC जम्मू में। और पुलिस के लोग भी हमने यहाँ पर देखे कि पुलिस के जवान यहाँ पर ज़रूर पहुँचे, पुलिस के अधिकारी भी कुछ यहाँ पर पहुँचे थे और उनका ये कहना है कि इस वक्त छानबीन जो है वो की जा रही है और तमाम उन दोषियों की बात करें तो उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये लोग कह रहे हैं कि इन्हें अभी भी खतरा है और हो सकता है कि इन पर फिर से हमला किया जाए। पुलिस से इनकी गुहार है, प्रशासन से इनकी गुहार है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि फिर इस तरह की तस्वीरें जो है वो ना सामने आए। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।